गोल्डन कार्ड के हवाले से कुछ खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से जितने भी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में या फिर जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड को लेकर जो है बहुत ही ज्यादा आसानी होती थी, इलाज व मुआवजा जो है वो फ्री किया जाता था और इसमें कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कई मुख्तलिफ बीमारियों से जूझते हैं, उनका इलाज भी जो है मुफ्त में होता था। आपको मैं बता दूं कि आज इसी बात को लेकर हमारी बहन हमारे साथ जुड़ी है जो कि एक खुद एक पेशेंट है और इसी के साथ साथ इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुश्किल आती हैं गोल्डन कार्ड को लेकर। तो क्या सुना पेशेंट तेम फरीदा सी मदर तो गोल्डन कार्डस पे डायलिसिस दिवान मतलब फायदे मेडिकेशन टेस्ट वेस्ट तम पेमेंटस पे वन दपान फर्स्ट सेप्टेम्बर पे गोल्डन कार्ड तंद हेको ना तूत एफोर्ड कर पेशेंटन सहन कि हेको डायलिसिस दी इसलिए कंपनी कर गुजारिश मतलब तुम कर गोल्डन कार्ड बंद क्या तुम कर कंटिन्यू। तो कुछ शु पेशेंट मदर तुम क्या मसले मतलब हम गोल्डन कार्डस पे वन पाई कूतिस वन अमे मूजूब योतन आम हेको ना मतलब पेमेंटस पे कर डायलिसिस कहें प्राइवेट हॉस्पिटल दपान बंद गोल्डन कार्ड तुम कर पेमेंटस पे डायलिसिस पाई दपान इफको कंपनी गवर्नमेंट दपान दूत मगर ब्रो पकान कहें। खैर आपको बता दूं कि इसकी वालिदा जो है वो एक पेशेंट है और इनका डायलिसिस इनकी वालिदा का होता है। इनका दावा है कि 1 सितंबर से जिस तरीके से खबरें गश्त कर रही हैं कि गोल्डन कार्ड काम नहीं करेगा क्योंकि मुख्तलिफ पेमेंट्स ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं और सरकार वो देने में जो है बिल्कुल कामयाब नहीं रही है। इसीलिए तमाम जितने भी प्राइवेट हस्पताल्स हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आप गोल्डन कार्ड पर जो है इलाज नहीं होगा और जो भी इलाज होगा या फिर डायलिसिस होगा वो बाकायदा तौर पर कैश के तौर पर होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त एक जो है प्रोटेस्ट जमा हुआ है यहाँ पर गोल्डन कार्ड को लेकर और यहाँ पर इनका ये दावा है कि गोल्डन कार्ड अगर बंद हो जाता है तो ये किस तरीके से जो है वो बाकायदा तौर पर हिसाब अपना चलाएंगे। काफ़ी तर सीए पेशेंट्स हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से और इसी के साथ साथ उन्हें डायलिसिस देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी होता है। मोदी का एक ही सही और अच्छा काम था कि गोल्डन कार्ड, और इसी गोल्डन कार्ड को लेकर लोगों के पास एक सहारा था कि 5 लाख तक जो है मुफ्त में इलाज हो सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो किसी भी तबके से हो। मगर आपको बता दूं कि अब वही गोल्डन कार्ड ना सिल्वर रहा है, ना कोई सिल्वर बटन रहा है और ना ही कोई डायमंड बटन रहा है। उसी को लेकर आज जो है प्रोटेस्ट हो रहा है और इसी को लेकर ये भी कह दूं मैं आपको कि गोल्डन कार्ड के हवाले से जिस तरीके से खबरें गश्त कर रही हैं कि 1 सितंबर से जो इफको कंपनी है वो कह रही है कि हम आप प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें फंड्स नहीं देंगे क्योंकि पीछे से सरकार जो है फंड्स देने में नाकाम रही है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 300 करोड़ तक इतना जो है वो पैसे जमा हुए हैं, 300 करोड़ तक पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं हुई। तो ये तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि गोल्डन कार्ड को लेकर क्या कुछ निज़ाम इस वक्त बना हुआ है और तमाम जितने भी सीए पेशेंट्स हैं, जितने भी मुख्तलिफ ऐसे पेशेंट्स हैं वो आकर यहाँ पर जो है एहतजाज कर रहे हैं ताकि उनकी बात सुनी जाए और गोल्डन कार्ड को लेकर और ज़्यादा बेहतरी लाई जाए। हालांकि जो सेशन हुआ था उसमें ये भी कहा था गोल्डन कार्ड में और जो है पैसे बढ़ाए जाएंगे, 5 से 10 लाख किया जाएगा, मगर अभी तक वो सामने नहीं आया। अभी जो पिछली पेमेंट है उसी को लेकर जो है इस वक्त तनाव बना हुआ है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।